अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस मिक्स वेज करी, उसकी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसे अवियल भी कहते हैं और बिना इसके यहाँ का कोई भी त्यौहार हो, कोई भी ओकेशन हो, अधूरा माना जाता है। तो ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। तो इसके बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह की सब्ज़ियाँ हम यूज़ करते हैं। सब्जियाँ आप अपनी प्रेफरेंस और अवेलेबिलिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है उसी का प्रयोग करें। और इसमें अपन बेसिक रूप से कुछ है, जैसे मेन आइटम है हमारा गाजर हो गई, बीन्स हो गया, येलो कुकुम्बर हो गया, ड्रमस्टिक और पोटैटो, इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप अपने जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ करें। ऑथेंटिक रेसिपी में मेन जो सब्जियां हैं, इनके अलावा हम स्नेक गार्ड, याम की जगह कच्चा केला भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं, आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। अभी ने हमें प्रेशर कुक करना है, तो उसके लिए आप देखेंगे कि बिल्कुल पतले पतले और लंबे लंबे काटते हैं। तो अभी एक ऐसा वेजिटेबल करी है जिसके अंदर हम बिल्कुल पतली पतली स्लाइसेस काटते हैं। तो मैंने गाजर ली है, मैंने लंबे लंबे बीन्स काट लिए हैं और फिर मैंने इसमें आलू है वो भी एकदम लंबे काट के डाले हैं। उसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं प्याज, तो प्याज मैंने स्लाइसेस के तौर पे काट के डाले हैं। अब हम इसमें, मैंने अरबी मिक्स की, मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने अरबी डाल दी है इसमें, और स्नेक गार्ड उसे भी मैंने इसी तरह से लंबा काटा है। और फिर हम इसमें टमाटर डाल देते हैं और येलो कुकुम्बर जो है उसे भी मैंने पतला काट दिया है, उसे भी इसमें मिक्स कर दिया है। ड्रमस्टिक डाल दिए हैं मैंने इसमें, और इसके साथ ही आप इसमें थोड़ी करी लीव्स को डाल दें। करी लीव्स डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे याम यानी कि सूरन। अब इसके लिए हमें मसाला पेस्ट बनाना है, तो उसके लिए मैंने 1/4 कप ग्रेटेड कोकोनट ले लिया है और इसमें हमने डाल दिया है आधा प्याज, और इसके साथ हम डाल देंगे इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली, यानी कि 3 से 4 ग्रीन चिली लेनी है। पर तीखेपन के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ तीखेपन के लिए हम सिर्फ यही डाल रहे हैं। और अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, आधा चम्मच जीरा, और फिर हम इसमें डाल देंगे 3/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और अब हमें इसे कोर्स ग्राइंड करना है, यानी कि बिल्कुल पेस्ट नहीं बनना चाहिए। तो हमने एक बार जब थोड़ा सा चला लिया, उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है, हल्का सा मैंने दरदरा पीसा है। अब हमने जो वेजिटेबल्स है उसमें भी हम थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद हमारा जो पेस्ट बनाया है ये इसमें डाल देते हैं। इसे अच्छे से आप मिक्स करें। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं, तो ऑयल जैसे नॉर्मली इसमें कोकोनट ऑयल डलता है, लेकिन आप कोई भी सादा सनफ्लावर ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब इसे अच्छे से इसको मिक्स कर दें ताकि जो मसाला है वो पूरी तरह से सब्जियों में मिक्स हो जाए। तो इसे मिक्स करके आप इसमें हाई फ्लेम पे 1 विसल लगाना, इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालना है, सिर्फ 1 विसल लगानी है। अब जैसे हमारी विसल बन गई, आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट तैयार है। तो आप गैस को सिम पर रख के अब आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा टैमरिन का पल्प। तो मैंने इमली का पल्प लिया है, 1 बड़ा चम्मच लिया है, उसे इसमें मिक्स कर दिया है। और फिर से अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें, नहीं तो आप इसमें घी डालें। तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है, और ये बिल्कुल रेसिपी आपकी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, ये एक स्पेशल वेज करी है। आप इसे ज़रूर बना के देखें और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करना ना भूलें।